128 स्कूलों में 40,000 लक्ष्य के साथ बच्चों का टीकाकरण हुआ प्रारंभ। टीकाकरण प्रभारी के साथ स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग का स्टाफ रहा मौजूद। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर को देखते हुए 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण महाभियान का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि 3 जनवरी सोमवार को 128 शासकीय विद्यालय केंद्रों पर 40,000 लक्ष्य के साथ बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। एक्सेलेंस स्कूल में विधिवत टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, जिला पंचायत सीओ नीलेश पारिक, भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली, सह राजेश साहू, शिक्षा अधिकारी सीएस सिसोदिया, सिविल सर्जन हर्षवर्धन जैन, बीएस कुशवाहा, डॉक्टर पी बुनकर, जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा के साथ स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग का स्टाफ मौजूद था। बच्चों के टीकाकरण शुभारंभ से पूर्व हाल ही में बने सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत गौतम के कार दुर्घटना में निधन होने पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गई। नगर में 9 केंद्रों पर, जिसमें वाइस हायर सेकेंडरी स्कूल कैंट, एक्सीलेंस स्कूल गुना, गर्ल्स स्कूल कैंट, गर्ल्स स्कूल MLV गुना हायर सेकेंडरी नंबर 2 और मॉडल गुना, कुशमौदा एकलव्य विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में सभी पात्र बच्चों को ऑन स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन कर कोवैक्सीन टीके की पहली खुराक का टीकाकरण किया जा रहा है। अन्य कोई टीकाकरण केंद्र या प्राइवेट स्कूलों में इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। पात्र बच्चे स्कूल केंद्र पर अपना आधार कार्ड या अन्य कोई ID दिखाकर टीकाकरण हो रहा है। जिले में 51,226 से अधिक 15 से 18 वर्ष के बीच पात्र बच्चों का टीकाकरण होना है, जिनको 20 जनवरी तक 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया है। और साथ ही साथ जिले में 100% टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 7 दिन टीकाकरण किया जाएगा। 128 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, ये सभी सरकारी स्कूलों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में अभी टीकाकरण केंद्र नहीं बने हैं और अन्य केंद्रों पर भी टीकाकरण नहीं हो रहा बच्चों का। इसलिए मैं सभी 15 से 18 साल के बच्चों से आग्रह करूंगा, उनके माता पिताओं से आग्रह करूंगा कि वो सभी सरकारी स्कूलों के केंद्रों पर ही टीकाकरण कराएं और हमारे वैक्सीन 128 केंद्रों पर 40,129 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। साथ ही जिनके नेतृत्व में ये टीकाकरण होने जा रहा था, ऐसे हमारे डॉक्टर CMHO डॉक्टर हेमंत गौतम जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, कल उनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उनके निधन पर आज हम सभी स्वास्थ्य कर्मी जनप्रतिनिधियों ने उनको आज शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, जिसमें हमारे टीकाकरण कराने आए बच्चों ने भी उसमें सम्मिलित हुए और सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने श्रद्धांजलि दी। उनको भगवान ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को सम्मल प्रदान करे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष का टीकाकरण शुरू हुआ है बच्चों का। आज से 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की वैक्सीनेशन का कार्य पूरे देश में प्रारंभ हुआ है। इसके लिए हम माननीय मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय तीसरी लहर की आशंका बहुत तेजी से पनप रही है, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित होंगे। और मैं अभिभावकों से और आम जनों से भी अनुरोध करता हूं कि मास्क जरूर लगाएं, साथ ही बच्चों का जो वैक्सीनेशन हुआ है बहुत सुरक्षित है। पूरे देश में सभी अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे और गुना में भी हम सब स्कूलों में देख रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ बच्चे वैक्सीनेशन में जा रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के लोग, समाज सेवी, सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और आशा करता हूँ कि जो लक्ष्य है 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों का, वो शीघ्र ही पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में पूर्ण होगा। धन्यवाद। निर्धारित किए गए हैं गुना जिले में 128 केंद्र जो शासकीय स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल, उनमें बनाए गए हैं और सभी में 51,000 बच्चों को एक साथ पूरे जिले में लगाए जा रहे हैं। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? कोविशील्ड। टीकाकरण किया जा रहा है बच्चों के लिए। आज 3 तारीख से 15 साल से और 18 साल वाले बच्चों के लिए टीकाकरण लगाया जा रहा है।
हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जाना मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्येक कार्यकर्ता जो है ना इस उसमें लगा हुआ टीकाकरण में, और जो लक्ष्य मैं समझता हूँ कि जो है ना ये लक्ष्य जो है ना पूरा होगा, होता रहा है और होगा। हमारे जिले के जिलाधीश माननीय कलेक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर जन और हमारे शिक्षा विभाग के सभी जो है ना गुरुजन, उन सभी लोग लगे हुए हैं। मैं हम नगर वासियों से जो है ना अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसमें सभी रुचि लें, और जो है ना ग्राम वासियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बच्चों को 15 साल से लेकर के 18 साल वाले बच्चों को जो है ना चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, किसे जो है ना मतलब ना हम पालकों को चिंता करना। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों को आज वैक्सीनेशन सेशन शुरू हो रहे हैं, सभी को कोवैक्सीन लग रहे हैं, एंड आज ये एक्सेलेंस स्कूल सेंटर निरीक्षण करने आए थे, और अभी हम ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में भी जा रहे हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, एंड भारी मात्रा में बच्चे लोग आए हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, एंड इस अभियान का लाभ सारे बच्चे लोग उठाएँ। एंड हमारी कोशिश है कि 15 जनवरी तक हम सभी जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, 15 से 18 साल के बच्चे जितने भी हैं, उनका वैक्सीनेशन हम लोग समय सीमा में कम्प्लीट